लेकिन मैडम आजकल तो जो आप जैसी महिला हैं, दिवाली से पहले कुछ दिन पहले 7-8 दिन पहले करवा चौथ आती है और वो एक मटका सा लेके मूर्ति लेके उससे अपने हस्बैंड की उम्र लंबी मांगती हैं और लंबी उम्र होती है। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि महिलाएं सबसे ज़्यादा दबी कुचली रही भारत में रहते हुए। भारत में ये सब क्या कारण थे, ये सब थे हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनके अनुसार महिलाओं को दोयम दर्जे का, निचले दर्जे का मनुष्य या इंसान माना गया। इंसान तो माना ही नहीं गया, उन्हें तो जानवरों से भी नीचे रखा गया। उनकी कोई इच्छाएँ नहीं थी, जानवर से तो फिर भी उन्हें पता है कि वो 3 बार खाना खाएगा, लेकिन महिलाओं से नहीं पूछा जाता था। तो महिलाओं को इतना दबा और कुचल के रखा गया उनके दिमाग को, उन्हें कहा कि तुम मत सोचो, हम सोचेंगे, जो हम कहेंगे वो करो। तो महिलाएं क्या है कि इस दकियानुसी विचारधारा से अभी तक बाहर नहीं निकल सकी। पढ़ लिख तो रही हैं लेकिन उन्हें लगता है कि शायद इस तरह के व्रत रखने से उनके पतियों की आयु लंबी होगी, जबकि ऐसा नहीं है। मैं भूखी मरूं तो मेरे पति की आयु कैसे लंबी हो सकती है, ये सोचने की बात है। अब बौद्ध धर्म कहता है कि घर में अगर खुशहाली का माहौल हो, पति की इच्छाओं की पूर्ति समय से हो और कलेश ना किया जाए, तब इंसान की आयु जो है लंबी होती है, तब पति की आयु लंबी होती है, ना कि भूखे मरने से इस तरह से कभी नहीं होगी। ये मैं महिलाओं को संदेश देना चाहूँगी कि कृपया करके पतियों को गंदी आदतों जैसे कि शराब पीने से रोकिए, गुटखे और बीड़ी सिगरेट खाने से रोकिए, इनसे उनकी आयु घटती है। और अगर आप रोक पाती हैं और घर में कलेश नहीं होता, तब इंसान की आयु जो है, पति की आयु जो है वो लंबी होती है और वो खुद की स्वयं की आयु भी लंबी करती हैं उससे। जी